फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस सिंपल से डब्बे को मैं करने वाली हूँ एकदम न्यू, क्योंकि मेरा मैम ने मेरा प्रोजेक्ट दिया था सिलेबस को न्यू करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट का डब्बा है, अभी इसकी हालत कुछ ऐसी खराब से हो रही है, इसको एकदम से न्यू बना दूंगी। इसमें क्या रखते हो सारनी? इसमें हम रखते हैं इसकी कॉम, ब्रश, ऐसी चीज़ें हम रखते हैं, पेन, एक्टिविटी, हाँ पेन या कुछ भी एक्टिविटी वाली चीज़ रख देते हैं हम इसमें। यूजर भी रख सकते हैं। और हम इसको डेकोरेट करेंगे वाटर कलर से। ये है अभी सेवन वाला जो बनाने के लिए, ये बनाने के लिए हमको वाटर कलर, वन शेप, सीजर एंड आप सोच रहे होंगे इस टेप से क्या काम है। इस टेप से मैं ऐसे इसके ऐसे लगा के इस शेप में पेंट करूंगी। उससे उससे इस बॉक्स में खराब से डिजाइन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने इस फ्लिपकार्ट के बॉक्स में मैंने अपनी मम्मी की मदर से ऐसे टेप लगा ली और मैं कलर चूज करती हूँ रेड। ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है फ्रेंड्स, ये ब्रशेस। अरे हाँ, आपको मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, अगर आपके इस मेरी टेबल सुंदर सी टेबल गंदी ना हो तो मैंने इधर इसके ऊपर ये न्यूज़पेपर पहुँचा दिया, तो इससे इससे क्या होगा, मुझे मम्मी से डांट भी नहीं मिटेगी। चलो पेंट कर, चलो हम इसको सुंदर से बनाने के लिए स्टार्ट कर दो। मुझे एक्साइटमेंट रुक भी गया, इसके ढक्कन में मम्मी से बात करना। ये जो वाटर कलर है इस पर मैं पानी नहीं भरूँगी, क्योंकि मुझे क्योंकि हमारी वॉल के हिसाब से मुझे डार्क कलर का चाहिए। ऐसी मैं पूरे डिब्बे पूरे बॉक्स में कर दूंगी इसके से। अभी जब ये सूख जाएगा तब मैं इसकी डबल कोटिंग करूंगी। एक और कोटिंग इससे क्या होगा, जिसकी इससे जिसकी वैसे एक कोटिंग करके रबर कितने भी दिन हो जाएगी वो छूट जाता है, जिसको जो रंग होता है इससे मैं डबल कोटिंग करूँगी। उससे क्या फ्रेंड्स, अभी हल्का सा बेचारा लग रहा है ना इस कोटिंग में, इसलिए जब मैं दो सेकेंड कोटिंग करूँगी तो एकदम से ये चमक जाएगा, मतलब पुराने डब्बे से नया हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने उस पर पूरे भी मार दिया, देखिए करते करते सूख भी गए। देखो आप चाहे तो फ्रेंड्स, ये तो करते करते पंखे की हवा में सूख गया, चाहे तो आप इसको बाहर धूप की रोशनी में रख सकते हैं। और ये करते करते हल्का बहुत सूख गया, बहुत थोड़ा सा और सूखना इसको, तीन चार लाइन अब ये हो जाएगा तब मैं आपको इसकी सेकंड कोटिंग करके दूंगी। वापस आ गई, तो देखिए इसकी शार्प कलर लाइन आई है और स्टिचेस आए। तो अब मैं ये जो इधर की जो स्टिचेस है इधर मैं करूँगी ये लुक के लिए। फ्रेंड्स दोबारा आ गई, अब मैं जिसकी ये हमने एक दिन के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था रेड कलर करके, और ये कितने अच्छे से सूख गया। अब मैं इसमें करूँगी ये लुक। और आपको एक चीज़ का ध्यान, फ्रेंड्स देखो मैंने बस एक ही लाइन करी है ब्रश से, बाकी मेरी मम्मी ने हेल्प करवाई है, क्योंकि अगर उसकी लाइन लग जाए तो पूरा खराब हो जाता है। आपको मैं अब इसको हम आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये कैसा लग रहा है। इसको आप फ्लावर पॉट की तरह यूज कर सकते हैं, इसमें कॉम ब्रशेस और जैसे कि आप किस कोई भी ज़रूरी सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। आप चाहे तो उसको स्टैंड होल्डर बना के भी रख सकते हैं। हमने अभी इतना ही करा है, आप इधर आप पर्स